हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, और इस वीडियो में अपन 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को क्विज के रूप में लगा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये वीडियो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब के लिए यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को देख कर जाए, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहला क्वेश्चन है कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है। तो आपको बताना है जो कॉपी कमांड है वो कहाँ पर सेव होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ पर सेव होती है। तो आपको बताना है जो हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट होती है वो कहाँ पर सेव होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अपनी तैयारी को परखने के लिए। जो भी सेक्शन आपका वीक होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए टेस्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप TTGK के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा ₹30 का और डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी सारे 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप मात्र ₹270 में इस डिस्काउंट कोड के साथ दे सकते हो, जिसमें ऑल एग्जाम जैसे कि रेलवे के हो गए, उस रेलवे में NTPC ग्रुप डी हो गए, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, डिफेंस एग्जाम्स हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो बताना है कि मेन्यू पर कौन सा एक विशेष कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कमांड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है मेन्यू पर एक विशेष कार्य करता है कमांड। टास्क बार कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर पर टास्क बार कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रीन के बॉटम पर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जो टास्क बार है वो होता है स्क्रीन के बॉटम पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त में वितरण होता है, लेकिन आगे प्रयोग करने पर प्रयोक्ता को यानी यूजर को रकम अदा करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयरवेयर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है वो वैसे तो मुफ्त में वितरण होता है, लेकिन आगे जब उसका यूज करते हैं तो यूजर को उसकी रकम अदा करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बूट नहीं होगा यदि उसमें डैश नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कंप्यूटर में बूटिंग नहीं होगा यदि उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर है उसके मिश्रण को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मवेयर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको बताना है जो ASCII है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड्स। तो आपको याद रखना है रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्टर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और आपको बताना है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया सी का फुल फॉर्म होता है करेक्टर, लेकिन आपको बताना है जो MICR है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD-RAM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CD-RAM का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा डिवाइस पॉइंट और ड्रॉप डिवाइस है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस पॉइंट और ड्रॉप डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो माउस है वो पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डेस्क के रूप में किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो जॉयस्टिक है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर गेमिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वेबकैम किस तरह का डिवाइस है, तो बताना है जो वेबकैम है वो किस तरह का डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी डिवाइस है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, आपको सभी याद करनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना जो वेबकैम है वो है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो लेजर प्रिंटर है वो है पेज प्रिंटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो माउस है उसे ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं, तो आपको बताना है जो मॉनिटर है उसका रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है जो सीपीयू और पेरिफेरल है उनके मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को याद रखना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसमें पहला साइकिल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा फेच साइकिल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनबेडेड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बताना है कि जो IBM है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डेस कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणित संबंधी गणनाओं को करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर का समूह है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो CPU में उपस्थित होता है आंतरिक मेमोरी, वो वास्तव में होता है रजिस्टर का समूह है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्हें किसने डिजाइन किया था, तो इसका सही आंसर होगा जे परस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से डेस कहते हैं, तो आपको बताना है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है उनकी विशेषताओं को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग हुआ था, तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है उसमें कौन सी डिवाइस का प्रयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनेक और मार्क 11, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है जो इनेक और मार्क 11 है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको बताना है कि इनेक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के IC चिप के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो कंप्यूटर में IC चिप होता है वो बना होता है सिलिकॉन का। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक CPU होते हैं, तो आपको बताना है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो याद रखना है, जिस कंप्यूटर प्रणाली में दो या दो से अधिक सीपीयू होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीप्रोसेसर। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, जब भी प्रिंट किया जाता है तो उसमें सेलेक्ट किया जाता है फाइल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन भाषा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी त्रुटि यानी एरर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब भी कोई त्रुटि होती है तो उन्हें हम बोलते हैं बग। कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में वन ड्राइव क्या होता है, तो आपको बताना है जो विंडो 10 है उसमें वन ड्राइव क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको बताना है कि DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा डॉट्स पर इंच, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो बताना है कि जो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो अपन जो कंप्यूटर में स्टार्टिंग में डाटा देते हैं उसको अपन बोलते हैं इनपुट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, तो बताना है कि जो सी भाषा है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यूनिक्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको बताना है जो यूनिक्स है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। डोस का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है जो डोस है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो डोस का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि लिनक्स और MS DOS ये सब हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूट रिकॉर्ड्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है अगर कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है अगर उसको रीस्टार्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उससे डेस्क कहते हैं, तो आपको बताना है अगर बिजली चले जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन सा बटन होता है जो रिसेट कमांड और एक्टिविटीज को कैंसिल करने की अनुमति देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडू, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, OSI मॉडल में डाटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहां पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर का कौन सा भाग CPU और बाह्य उपकरणों के मध्य अंतर को कॉम्पेंसेट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो इंटरफेस हार्डवेयर है वो CPU और बाह्य उपकरणों के मध्य अंतर को कॉम्पेंसेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायरस पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है, तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे बोलते हैं DSL, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको बताना है जो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है,
कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है वो बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्रदान करने का प्रयास को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फिशिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जब व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे बोलते हैं फिशिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIDI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपको बताना है कि जो MIDI है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Word में वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि जो MS Word है उसमें वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+G, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। तो बताना है जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका आधार क्या होता है। तो उसका आधार हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल। फाइल को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है जब फाइल को रीनेम किया जाता है तो कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F2, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज किस प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो क्लाउड स्टोरेज है वो कौन से प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। W4 का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्लैश क्या है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि फ्लैश क्या है। तो फ्लैश हो जाएगा रैम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं तो आपको बताना है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ होता है कि यूजर को डाटा डेस करने देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर डाटा गैदर करता है उसका मतलब होता है कि यूजर को डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है, डेस एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रोम ऐसी स्थायी मेमोरी है जो पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन मिले हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरकल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि डोस, विंडो 7, विंडो 10 ये सब भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा जो CD है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क तो बोलते ही हैं, उसके अलावा आपको बताना है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या क्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो आपको बताना है कि स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F5,
यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा दिए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीलॉगर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो कीलॉगर वायरस है वो कंप्यूटर के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है जो स्प्रेडशीट है उसके प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों के रिक्ति को नियत करने वाले कोड जिसे ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है, तो बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारकोड। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों डेस और डेस का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 9 और ए से एफ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है वो 0 से 9 और ए से एफ तक प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, तो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है कंपाइलर अनुदेशों का वह सेट है जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर जो पहली स्क्रीन आती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। मौजूदा डॉक्यूमेंट्री में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें बदलाव किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एडिटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को अनुमति देता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर लाइसेंस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो मल्टीपल यूजर लाइसेंस है वो लोगों के समूह को अनुमति देता है कि वह सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। लाइनक्स डेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है कि जो लाइनक्स है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीवीडी का पूर्ण रूप हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्क को ट्रेकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्क को ट्रेकों और सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस को सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखना है सबसे पहले ऑप्टिकल माउस को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जब कंप्यूटर को रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है जब भी कोई कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो उस आउटपुट को बोलते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडिफायर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल और शिफ्ट है वो मॉडिफायर कुंजियां हैं। वेब एड्रेस एक यूनिट का नाम है जो वेब पर विजिट डेस्क को पहचानने के काम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंक,
तो याद रखना है जो वेबसाइट एड्रेस है वो वेब पर विशिष्ट लिंक को पहचानने में काम आता है। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, तो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब होस्टिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTTP, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। URL एक प्रकार का क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो URL है वो एक प्रकार का क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वाईफाई का पूर्ण रूप हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोडेम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TCP/IP, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP। नेक्स्ट है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो भी सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।